हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये ऐसा मेकअप करना चाहते हो तो आप कैसे करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए तो वो आज मैं आपको सब बताऊंगी। आपको बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अभी वैसे भी शादी की सीज़न चल रही है तो उसके लिए आपको कैसे मेकअप करना है बहुत ही इजी वे है, तो आपको मैं आज सब सारे एक एक टिप्स बताऊंगी। सो पूरा वीडियो आप देखिएगा और आप देख के आप मुझे बताओगे कि प्लीज़ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। सो अब मैं आपको मेरा मेकअप बताऊंगी कि ये मेकअप जो मैंने अभी किया है उसे कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है हाइलाइटर। हाइलाइटर से आपको आई शेडो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल मेकअप जो कि बहुत ही इजी है और उसके लिए सिर्फ आपको एक हाइलाइटर चाहिए, एक लिपस्टिक चाहिए, बहुत ही इजी, और एक लाइनर चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं वैसे भी फाउंडेशन लगाती हूँ, जो फाउंडेशन लगाती हूँ बेस के लिए, बट फाउंडेशन से पहले मैं सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ। तो आपको आपकी मर्ज़ी, आपको जो लगाना है। अब मैं लगाऊंगी आई शेडो जो कि हाइलाइटर से। आपको सबसे पहले क्या करना है, फाउंडेशन लगाना है, उसके बाद आपको मेकअप स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी आई शेडो। आई शेडो में लगाऊंगी ये हाइलाइटर से। अब ये हाइलाइटर, उसके अंदर आपको पांच कलर दिखेंगे, पांचों में से कोई भी एक कलर से मैं आई शेडो लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं लूँगी ये गोल्डन कलर जो बहुत ही इजी वे से लग जाता है। देखो, बहुत ही इजीली अप्लाई हो रहा है आईज पे, और ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है क्योंकि ये इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत इजीली एक ही स्वर्क में लग जाता है। तो और जो लाइन दिख रही है ना, सिर्फ उसके अंदर ही आपको लगाना है, ओके, बाहर साइड नहीं लगाना है। तो अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। अब ब्लशर के लिए मैं करूंगी ये लिपस्टिक से ब्लशर करूंगी, जो कि मैंने वो पहले वाले वीडियो में बताया था। इसको मैं स्प्रेड करूंगी अच्छे से ब्लशर के लिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आपको क्या करना है, ये जो वाइट कलर दिख रहा है उसको ही आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर के लिए। तो सबसे पहले हम नोज से स्टार्ट करेंगे। नोज पे आपको ये एक सिंगल लाइन करनी है। आप देख सकते हो कैसे हाइलाइट हो रहा है नोज। इसके बाद लिप्स के ऊपर हाइलाइट, फिर साइड साइड ऐसे आपको एक लाइन डॉट डॉट करके और फिर उसको अच्छे से करना है। ज़रूरी नहीं है ब्रश का, अगर आप हाथ से भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अच्छे से लग जाता है हाथ से भी। ये मेकअप मैं उनको उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता। तो जो सिर्फ दो तीन चीज़ों से ही मेकअप आप कर सकते हो, और आंखों के अंदर इनसाइड में आपको ये हाईलाइट करना है जिससे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, अपनी आईज भी बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ज़्यादा डार्क हो जाता है तो लाइट भी कर सकते हो, मीन्स डार्क अच्छा लगता है बट फिर भी उसे आप लाइट करना चाहो तो लाइट कर देना, आप पे डिपेंड है आपको कितना डार्क रखना है या कितना लाइट रखना है। ओके, अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना तो वैसे भी मेकअप अधूरा है।
अब है लाइनर। एक्चुअली मैं मोबाइल में देख के, कैमरे में देख के मैं लाइनर लगा रही थी, सो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लाइनर के लिए, फिर भी अच्छे से लग गई। तो यर वी गो, मेरा मेकअप डन है और आप देख सकते हो मेरा लुक, मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ 3 चीज़ों से मैंने मेकअप किया है, सिर्फ 3 चीज़ों से, ब्लशर, लिपस्टिक। लिपस्टिक से मैंने ब्लशर किया है, लाइनर चाहिए आपको, एक हाइलाइटर चाहिए, बस वहाँ पे ही आपका मेकअप पूरा डन हो जाता है। सो कहाँ पर भी आप जाओ तो ये 3 चीज़ आप कैरी कर लो, बस हो गया आपका पूरा मेकअप डन। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा मेरा वीडियो को,